नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। रांची के रिम्स में लालू यादव से मुलाकात करने के लिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स में निरीक्षण करने पहुंचे। ये तस्वीरें देखिए, जहां पर बन्ना गुप्ता आपको नजर आ रहे होंगे कि वो रांची में सभी वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातें भी की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रिम्स जो है वो झारखंड का सिरमौर है और इसे और बेड कैपेसिटी जो है अस्पताल की वो और आने वाले वक्तों में बढ़ाएंगे। और साथ ही लालू की मुलाकात को लेकर क्या कुछ कहा है बन्ना गुप्ता ने, सबसे पहले वो सुनेगी। लालू जी से मुलाकात हुई है? जी बिल्कुल। क्या कुछ बातचीत? नहीं, बातचीत क्या है, देखिए अब मैं अस्पताल का भ्रमण कर रहा हूँ। अस्पताल के भ्रमण के क्रम में वो अपना यहाँ से उनको कानून के तहत जो है यहाँ रखा गया है और वो यहाँ से अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो भी हमारे जो है रिम्स प्रबंधन में एक मरीज की भूमिका में है और हम लोग उम्मीद करते हैं उनका भी जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी और भी मरीज हैं वो भी जल्दी मुस्कुरा के अपने अपने घर को लौटें, यही व्यवस्था को कायम करने के लिए लगे हैं हम लोग। नहीं देखिए, दिशा निर्देश देने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं अपने अधिकारियों के साथ मिलकर सहयोगी साथी के रूप में काम करने के लिए आया हूँ। और हम और हमारे अधिकारी क्या कमी है, क्या खामी है, उस कमी और खामी को कैसे करके हम लोग मिल बांट के दूर करें, कितनी पदों की रिक्तियां हैं, कितने हमारे नर्सिंग स्टाफ कम है, कितने डॉक्टर कम हैं और कहां कहां खामी है, कमी है, सुधार के लिए क्या हमको जो है कदम उठाने हैं, आदि आदि विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और ये तो कोई एक दो घंटे का तो मामला नहीं हो सकता, ये तो निरंतर सुधार के लिए निरंतर प्रयास है। और निरंतर प्रयास के क्रम में मैं यहाँ निरंतर आऊँगा, आकर बैठूँगा, देखूँगा, समझूँगा और समय समय पर जो आवश्यक आवश्यकताएँ समझ में आएगी उन आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। और हम लोग मिलकर जो है, हमने डायरेक्टर रिम्स और उनके संबंधित सभी लोग, सुपरिटेंडेंट साहब, एडिशनल डायरेक्टर रिम्स और सभी अधिकारियों के साथ आज तो एक मेरा एक संक्षिप्त परिचय हुआ है। आगे हम लोग जो है बृहत कार्य योजना के तहत काम करेंगे। महिलाएं और बच्चों की जो समस्या है सुबह में देखने को मिलता है, उसके लिए क्या-क्या आप तैयारी में हैं, आपकी सरकार से क्या कुछ कर रही है? देखिए, बात यह महिला और बच्चों की नहीं है। देखिए, बात है यहाँ कि हर वो पेशेंट जो भी यहाँ आंसू लेकर आ रहा है, चेहरे पर जिसके आंसू हैं, हम उसको मुस्कान में बदलने के लिए रिम्स प्रबंधन वचनबद्ध है। तो जो भी हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, प्रौढ़ हैं, सारे लोगों के लिए हम लोग जो है लगे हुए हैं। सेवा का भाव है और स्वास्थ्य विभाग सेवा का विभाग है, मानवता का विभाग है। तो हम लोग की कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशहाली दें, इसी के लिए प्रयास है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए सबसे बड़ी चुनौती? देखिए, ग्रामीण इलाके में स्वाभाविक रूप से ग्रामीण इलाके में हमारे डॉक्टरों की कमी है, नर्सिंग स्टाफों की कमी है, कुछ कुछ जगह इक्विपमेंट की भी कमी है। तो हम लोग कोशिश में हैं कि हम लोग अपने डॉक्टरों की, नए डॉक्टरों की भर्ती करें और नए डॉक्टरों को यदि हम पदस्थापन करें या और बड़े सीनियर डॉक्टरों का पदस्थापन करें, तो जो गांव में रहेंगे उनके लिए भी हम लोग विचार करेंगे कि उनको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, कैसे उनको प्रोत्साहित किया जाए, कैसे उनको झारखंड की भावना के साथ जोड़ा जाए। और हम समझते हैं कि हम लोग मिलके सब मिल लेंगे, आपस में मिलके चिकित्सकों के चेहरे पर जब खुशहाली आ जाएगी, नर्सिंग स्टाफ के चेहरे पर खुशहाली आ जाएगी, तो वही खुशहाली जो है हमारे मरीजों के चेहरे में भी आएगी। लालू जी से मुलाकात हुई है? जी बिल्कुल। क्या कुछ बातचीत हुई? नहीं नहीं, बातचीत क्या है, देखिए अब मैं अस्पताल का भ्रमण कर रहा हूँ। अस्पताल के भ्रमण के क्रम में वो अपना यहाँ से उनको कानून के तहत जो है यहाँ रखा गया है और वो यहाँ से अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो भी हमारे जो है रिम्स प्रबंधन में एक मरीज की भूमिका में है और हम लोग उम्मीद करते हैं उनका भी जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी और भी मरीज हैं
वो भी जल्दी मुस्कुरा के अपने अपने घर को लौटे, यही व्यवस्था को कायम करने के लिए लगे हैं हम लोग। सर एक लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल सर, कि जंक फूड को लेकर सर लगातार एक मुहिम चली हुई है, जंक फूड बीमारियों का समस्या बना हुआ है और कई ऐसे जंक फूड के दुकान हैं जो कि लाइसेंसधारी नहीं है, ऐसे में सर स्वास्थ्य विभाग क्या नहीं देखिए, जंक फूड में जब सबसे मेजर इसमें होता है अजीनोमोटो, और जब अजीनोमोटो डाला जाता है तो वो अजीनोमोटो डायरेक्ट हमारी जो बोन है उस पर सबसे ज़्यादा असर करता है, वो बोन को कमज़ोर कर देता है। तो हम लोग जो है, एक तो हम लोग जो है अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं कि लोगों में जो है कि कम से कम जो है आप देखिए जितना मोटापा वगैरह है वो भी जो है फास्ट फूड का यही है कारण है, और उसके साथ साथ बहुत सारी और भी बीमारियां हैं जो फास्ट फूड के कारण होती हैं। तो हम लोग उसमें देखेंगे कि उसमें हम लोग क्या उसमें कर सकते हैं और क्या हमारा विभाग के पास वैधानिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन हम लोग एकाएक जो है किसी गरीब के पेट में लात मार के उसको जो है बेघर कर दें ये भी उचित नहीं है। तो नहीं नहीं मैं तो हम लोग जानते हैं, देखिए फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा जो नियम है या हम लोग हो सकता है कि उनको समझाएंगे कि साहब जो है आप जो है फास्ट फूड के जगह आप कुछ ऐसा चीज़ बनाइए जिससे समाज के लोग खाएं तो अच्छा रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें अजीनोमोटो डिस्टर्ब करता है, सबसे ज़्यादा इसमें अजीनोमोटो ही एक ऐसा कारण है जो बॉडी में सबसे ज़्यादा नुकसान का कारण होता है। तो हम लोग निश्चित तौर पर सभी चीज़ों पर आप बेफिक्र रहिए, स्वास्थ्य मंत्री मंत्री की हैसियत से नहीं सेवक की हैसियत से आया है और सेवा करेंगे, सबको मिल के ले के चलेंगे और किसी की कमी खामी है उसको दूर करेंगे, और जो हमारे नए लोग हैं उसको यदि कहीं परेशानी हो रही है तो वो परेशानी को भी हम लोग जो है सॉल्व करेंगे।